बच्चा के पेटे में मार दी तो सफाया करा लेता है बच्चा के दाम के देखो कितना हाथा कट्ठा बच्चा है कितना सुंदर बच्चा है आ किसी के दे देती गरीब कोई के दे देती जरा बांध बांध ले पाइल पाइल के ना आ 9 महीना पेट में रह के कितना बच्चा का हत्या करे और भगवान ने माफ करेगी भगवान आई जन्म ने वो जन्म माफ नहीं करेगी कभी इसका। डीएमसीएच के नाले में मिला नवजात शिशु का तैरता शव, चर्चाओं का बाजार हुआ गर्म। दरभंगा उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल डीएमसीएच से लापरवाही और इंसानियत पर शर्मसार कर देने वाला दृश्य सामने आया है। इस दृश्य को जिसने भी देखा उसके मुंह से आह निकल पड़ा। दरअसल डीएमसीएच के गायनिक विभाग के सामने वाले नाले में एक नवजात शिशु का शव तैरता देखा गया, जिसके बाद यह खबर इलाके में आग की तरफ फैल गई और देखते ही देखते नवजात को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। वही मौके पर मौजूद लोग तरह तरह की आशंका जाहिर कर रहे थे। दरअसल पूरा मामला डीएमसीएच परिसर का है, जहां शुक्रवार की सुबह गायनिक विभाग के सामने वाले नाले में एक नवजात बच्चा का शव तैरता देखा गया। सबसे पहले वहां से गुजर रही एक महिला की नजर पड़ी, जिसके बाद उक्त महिला ने आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी। इस बीच वहां पर उपस्थित किसी ने इस घटना की सूचना पुलिस के साथ अस्पताल प्रशासन को दी। जानकारी मिलते ही बेता थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकलवाते हुए मामले की जांच में जुट गई। वही मौके पर मौजूद मालती देवी ने कहा कि यह दृश्य इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। वही उन्होंने कहा कि वो कैसी माँ थी जिसने 9 महीना अपने कोख में रखकर बच्चे को नाले में फेंक दिया। अगर बच्चा खत्म हो गया था तो उसका विधिवत अंतिम संस्कार करना चाहिए था। अगर पालने में किसी प्रकार की कठिनाई थी तो किसी वैसे लोगों को दे देना चाहिए था जिसकी गोद अभी तक सूना है, ऐसे में दोनों घर आबाद हो जाता। वही अस्पताल उपाधीक्षक हरेंद्र कुमार ने बताया कि मुझे भी सूचना मिली है कि नाले में एक शव तैर रहा है। यह हमारे यहाँ को बायोमेडिकल वेस्ट नहीं है, हॉस्पिटल का बायोमेडिकल वेस्ट को अलग से उसे पॉलिथीन में पैक करके रख दिया जाता है, जिसे एजेंसी यहाँ से ले जाती है और डिस्पोज करती है। वहीं उन्होंने कहा कि यह काम किसी बाहरी तत्वों का लगता है जो कहीं बाहर से लाकर शव को यहाँ फेंक दिया होगा। ये हॉस्पिटल का बायोमेडिकल वास्ट नहीं है, हॉस्पिटल का बायोमेडिकल वास्ट जो है कि बंद थैली में निर्धारित जगह पर रखा जाता है, वहां से एजेंसी द्वारा उठाव किया जाता है। यह किसी बाहरी तत्व का काम है जो ले आकर बच्चे के शव को फेंक दिया है और अब संज्ञान में आया है, इसको हम लोग जो है कि नियमानुसार उसको उठाव कराएंगे, उसको करके फिर बायोमेडिकल वास्ट को सौंप देंगे ताकि उसका डिस्पोजल हो सके। सर, गार्ड लोगों को गाइडलाइन क्यों नहीं दिया जाता सर, घूमते उमने के लिए? अब इतना पर्याप्त हमारे पास ये प्रहरी नहीं है कि सब जगह पर रखा जाए और कोई कहाँ फेंक देगा, ये तो हर एक जगह निगाह में नहीं है। तो लेकिन जहाँ जहाँ है और गार्ड का डिप्लॉयड न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा।